गाइस कायला का रूम रेडी कर दिया है। मैं आप लोगों को कायला का रूम दिखाने लगा हूँ। बहुत जबरदस्त लग रहा है। कर लो चला कर। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, शी इज फ्रॉम इट्स नॉट लाइक पाकिस्तान ऑफिस एवरीवेयर बी विद इंग्लिश लैंग्वेज इधर सारे थिंग्स यू सेड फ्रांस पेरिस नाउ से मक्का। सियाल का सवाल है, आप पाकिस्तान में क्यों नहीं रहते? कायला को जो है ना दोस्तें मिल गई हैं, उनके साथ जो है ना खेल रही है। ये दोनों सिस्टर्स जो है ना ट्विन्स हैं। सब्सक्राइब करो। बे भाई ये क्या कर दिया, सारा रूम की सेटिंग खराब कर दी यार। ये क्या कर दिया, सारी जो है ना सेटिंग खराब कर दी हमारी। ये देखो पूरा फैला दिया है। असरा जी, असरा जी, व्हाट यू डिड विद रूम, क्यों व्हाट हैपेंड नाउ, काइलर रूम थिंग्स इन आवर रूम अगेन। चलो मैं बोल रही हूँ आजा। क्या हुआ? आजा। वाह भाई वाह, कारपेट वाला आके कारपेट लगा गया है। हाँ, कैसी लग रही है? जबरदस्त लग रहा है। अभी तो कारपेट लगाए, खाली रूम वैसे ही उठ गया है। ये देखो ये भी लगा दिया है। क्या बात है, क्या बात है। अभी आहिस्ता आहिस्ता हम जो है ना कायला का रूम जबरदस्त करेंगे। वो कब आया, सुबह आया था? सुबह आया था। अच्छा जी, वाह, सुबह सुबह आके लगा के भी चला गया। चलो अच्छी बात है, मुझे नहीं उठाया। आप लोग सब बताएं ये रूम के साथ जो है ना ये कलर सूट कर रहा है, उठ रहा है कि नहीं? हमें तो लग रहा है कि बहुत जबरदस्त लग रहा है। ये देखें खूबसूरत लग रहा है ना। चलो अब नाश्ता दे दो। अभी जो है ना मैं नाश्ता करने लगा हूँ, ग्रेप्स चीज चॉकलेट, और मैं अकेला हूँ टेबल पे क्योंकि मामा और असरा सुबह के उठे। मैं ये देखो इसको अपने रूम में बैठी हुई है। कैसे बैठी हुई है? Now finally you have room to play. Kayla? Guys, Kayla का रूम रेडी कर दिया है। मैं आप लोगों को Kayla का रूम दिखाने लगा हूँ। बहुत जबरदस्त लग रहा है। 1, 2, 3 कैसा लग रहा है? ये है जी हमारी एंट्रेंस, और वो Kayla का जो है ना सबसे बड़ा टेडी वहाँ पड़ा हुआ है। यहाँ पे चीज़ें हैं, वो ट्री, आर्टिफिशियल डेकोरेशन। ये कायला की दोस्त, कायला की जो है इधर साइकिल, गाड़ी बाहर कर दी क्योंकि अब हम उसको यूज़ कर रहे हैं। और ये कायला की खेलने की और शूज़ वगैरह की चीज़ें। और ये कायला, कायला ये बड़ा खुश है भाई। आज पूरा दिन जो है ना इसने तंग नहीं किया। हमने इस रूम में इसको बिठाया हुआ था और ये आराम से देखो अपने रूम में मस्त है। और अब हमें टेंशन भी नहीं है कि इसका सर जो है ना सेरेमिक पे लगेगा क्योंकि कारपेट जो है ना हमने मोटा वाला लगवाया है। ये देखो खुश है, खुश है। ये देखो इसे काम चेक करो। पापा पुट योर फीट देयर। यस Guys, I am bahut bhook. Mama and me did too much work. Can I eat spaghetti? Yes. Mama, today mushroom too. Bahut acha smell aa rahi hai yaar, Taha. Aap bhook nahi ho? Haan, bhook lag rahi hai na. Main Kayla ko sulaya abhi. Yes, Kayla bhi so rahi hai. Mama ne aaj banayi hai one and only spaghetti. आज की स्पैगेटी में क्या खास बात है जी? आज की स्पैगेटी में मामा ने मशरूम भी ऐड किए, तो मेरे ख्याल से टेस्ट इनहेंस हो गया होगा। टेस्ट करके आपको बताता हूँ कि कैसी बनी है। मामा अभी कटिंग कर रही हैं, चार हिस्से होंगे इसके। कायला बीबी उठ गई है और कायला बीबी भी खाने की टेबल पे हमारे साथ बैठ गई है। भाई ये दो सॉस, स्पाइसी टोमेटो सॉस और मायोनीज, ये मिक्स करके अगर आप स्पैगेटी पे लगाए ना, आय हाय हाय मजा आ जाएगा। ये देखें स्पाइसी टोमेटो सॉस और मायोनीज मिक्स होने के बाद ये कुछ इस शक्ल की है, और ये बन गई हमारी बेहतरीन सीक्रेट सॉस। पर था नाने गए हैं,
कायला इधर वेट करी है फॉर बाबा क्योंकि बाबा विल कम मी एंड ताहा विल टेक कायला आउट विद कार एंड आई डी ताहा कपड़ा आयरन टू। आपका भाई नया नया करके आ गया, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश हो गया। और आज हम क्या करेंगे जी, आज हम जो है ना कायला को बाहर लेके जाएंगे सैर सपाटे के लिए, है ना कायला? हाँ मैं बाहर चेक करी कितना दूर है। हाँ चेक करो मौसम कैसा है। क्या आपकी भाभी ने यह आउटफिट रेडी किया है? वैसे ब्लैक पैंट करनी थी लेकिन ब्लैक पैंट जो है ना गंदी हो रही है, धुलने के लिए मशीन में डाली भी, तो मैंने कहा ब्लू कर दो। ठंड नहीं है, चलो फिर चलते हैं। तो भैया हेयर शेयर बना लिए हैं, अब निकलते हैं। चलो चलो वही कायला लेट्स गो। हाँ ये देखो क्रीम कलर का हेयर बैंड है, रेड कलर की शर्ट है, ग्रीन ब्लैक की स्टॉकिंग है, वो जूते देखो, फिर से गोरा गंदा बना दिया। चलो जी कायला की गाड़ी तैयार है, कायला भी रेडी है, लिफ्ट आ जाए फिर निकलते हैं। हम बाहर आ गया, देखो कायला बेबी कैसे एंजॉय कर रही है। कायला चलो देखो अगेन मोर हैप्पी देन कायला। और अभी हम जो है ना विंडो शॉपिंग भी करेंगे कायला के लिए, शूज देखेंगे अगर कोई शूज अच्छा लगा तो लेने। फर्स्ट विंडो शॉपिंग इफ वाज अच्छा देन शॉपिंग। चलो कायला सलाम कायला, आई एम हियर आई एम हियर। कायला वांट पानी, एक्चुअली आई ब्रिंग दिस पानी फॉर आवर सेल्फ। कायला यूज करिए, कायला बेबी भाई कायला का शूज जो है ना निकल गया, अभी हम कायला का शूज पहना रहे हैं। कोई लो छोटे छोटे से पैर है ना अभी इसके। जी जी क्यों टीपा। चलो 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 लेट्स गो। नाउ वी केम फॉर विंडो शॉपिंग। कायला विंडो शॉपिंग, कायला भी विंडो शॉपिंग करिए। कायला था करिए। कायला बीबी जो है ना आज कह रही है कि मुझे गाड़ी में नहीं बैठना, वरना वैसे मैं इंजॉय कर रही थी लेकिन आज जो है ना इंजॉय नहीं कर रही। What happened? She saying mama hug is best. अभी हम छोटे से ना हमारे घर के पास फैमिली पार्क है इधर आ गए। ये झूले झूले जो है ना जरा झुलाते हैं कायला को। कायला में क्यों कोई बात नहीं, ये छोटा सा पार्क और सारी फैमिली जाएगी इधर। कायला कायला हुई Yes, yes, come. कायला कम टू बाबा, कम टू बाबा। आ नहीं रही है, मैंने इसको झूला ना ऐसे ऊपर से छोड़ा यहाँ तक के लिए, डर गई है। हाय गेंग ये कम स्टार्ट कर दिया, देखो देखो कायला का शक्कर देख। What happened? What happened? कायला तू तू जा दो। Ay ta Jesus kere. Tapot. Deko deko. Oh la la ne ne ne. काफी सारी फैमिलीज आई हुई है बच्चों के साथ और उनको भी इंजॉय कर रही है, खुद भी टाइम स्पेंड कर रही है। ये देखो कायला खुश है, यहाँ पे काफी सारी फैमिलीज है विद किड्स। तो देखो कायला पापा नहीं देखी है। हाँ देख रही है, देख कायला ना 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 ना। ये देखिए कितना अच्छा, मतलब छोटा सा पार्क है लेकिन बहुत अच्छा है, काफी सारे बच्चे फैमिलीज आई हुई यहाँ खेल रही है कूद रही है एंजॉय कर रही है। हम इसको बिठा रहे हैं और ये जनाब खड़ी हो गई है। ये छोटी है वैसे इसके, मतलब ये इन झूलों के लिए छोटी है लेकिन फिर भी ला 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 ला। कायला को जो है ना दोस्तें मिल गई हैं, उनके साथ जो है ना खेल रही है। ये दोनों सिस्टर्स जो है ना ट्विंस हैं, वो देखो एंजॉय कर रही है उनके साथ, इसीलिए तो मैं लेके आया था। बाहर निकले थोड़ा सा जो है ना, क्योंकि ये जो है ना दूसरे लोगों को जब देखती है ना तो डर जाती है, तो मैं इसलिए आहिस्ता आहिस्ता बाहर लेके आ रहा हूँ पार्क वगैरह में के लोगों को देखे तो इसके दिल से ना डर खत्म हो जाए। दोस्तों से मिलने के बाद कायला जी सो गई है और हम विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, हमें कुछ पसंद नहीं आ रहा। तो भैया घर पहुंच गए हम लोग
और वाला इंजन थक गई, मैं मर गई। वल्लाही क्यों? देखो क्यों, देखो भाई। सलाम अलैकुम मामा। सलाम मामा। गिफ्ट कचरा से कम कम गिव मी। व्हाई? गिव मी हाफ नाउ ना, हाफ लेटर। हाँ ना, वो असल में कारपेट वाले आए थे ना, तो लोग सही कचरा मचा के गए। इस टाइप की चीज़ें कत्ते छत्ते। मैंने कहा आधा भी फेंक देता हूँ, आधा कल फेंक दूँगा, अदरवाइज बढ़ता जाएगा। अच्छा मामा कह रही थी बहुत कचरा, लेकिन बहुत नहीं, ये है और ये है। बकाया कुछ कमेंट्स पढ़ा था कि कचरे क्यों फेंकने जाते हो, दवा से कोई कचरा फेंकाता है। भाई मामा जो है ना खुद फेंकते थे हमेशा, मैं नहीं था ना, मुझसे पहले भी कचरा होता था, वो खुद फेंकती थी हमेशा। लेकिन मैं जब से आया हूँ, मैंने कहा आप क्यों जाती है, मैं हूं ना, मैं जाऊंगा। अगर अपने घर का काम कर लोगे तो इसमें क्या कोई आफत आ जाएगी भाई, इसमें इज्जत बेइज्जती का कोई मामला नहीं है। अजीब बात है यार। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो, ठीक हो? व्लॉग तो देख लिया आप लोगों ने। आज है हमारा फर्स्ट Q&A हमारे यूट्यूब चैनल का। तो काफी सारे आप लोगों ने जो है ना इंस्टाग्राम पे हमसे सवाल किए, और जरूरी काफ़ी लोगों ने सिमिलर भी सवाल किए, तो हम एक एक करके सबका जवाब देंगे, और विद नाम, हम नाम भी मेंशन करेंगे अपने फैमिली का, यूट्यूब फैमिली का। तो चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल है जी सल्लू सलमान का। सलमान भाई का सवाल ये है, हैव यू परमानेंटली मूव टू ईरान? नहीं जी, हम ईरान परमानेंटली मूव नहीं किए हैं। हम ईरान इसलिए आए हैं कि आपकी भाभी की एजुकेशन रहती है, वो पूरी करना है। यू हैव लास्ट टू सेमेस्टर रिमेनिंग, हाँ जी जी। दो सेमेस्टर रहते हैं भाभी के, जो हमने ब्रेक लिया था, तो अब वो कंप्लीट करेंगी आपकी भाभी, और मैं और कायला अभी यहाँ पर हैं। आगे भी आपके इससे रिलेटेड मजीद सवाल है तो उसमें जवाब देंगे। दूसरा सवाल, फारसी बोलना सीखा है कि नहीं? टिम आफा 84, टिम आफा फारसी बोलना सीख रहे हैं, जवान है, आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी ना? नहीं। गजब बेइज्जती है। क्या नहीं? थोड़ा 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 जस्ट हेलो हाउ आर यू, सलाम कुल्ली। यस ना, दिस इज इनफ, इतना ही होता है ना, आहिस्ता आहिस्ता। जी जी। मेरी 295 का सवाल है, क्या आप दूसरी शादी करेंगे? हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं होती। हाँ जी ना। क्या मैं दूसरी शादी करूंगा? चलो ना। क्या चलो? चलो। क्या चलो? चलो करो। कर लो। चलो करो। पक्का? पक्का पक्का पक्का। नहीं नहीं पक्का। कैसे सवाल कर रहे यार तेरे। अच्छा आपकी क्या कास्ट क्या है यार? मेरे नाम के, हमारे नाम क्या ये इतना बड़ा बड़ा लिखा है? बंगश। बंगश एक कास्ट है पठानों की, जिस तरह पठानों में काफ़ी दूसरी कास्ट में अफरीदी, खट्टा, औरंगजई, यूसुफजई, डिफरेंट डिफरेंट, इसी तरह बंगश इज वन ऑफ पश्तून कास्ट। ठीक है, यू आर अरबी? नहीं भाई, हमारा बूथे से लगता है हम अरबी हूँ। सियाल का सवाल है, आप पाकिस्तान में क्यों नहीं रहते? बीबी मैं बीबी है या भाई है जो भी है, मैं पाकिस्तान में ही रहता था, हमें यहाँ पे आए हुए 4 से 5 महीने हुए हैं, और हम यहाँ पे आए हैं आपकी भाभी की एजुकेशन के लिए। फियान, हाउ डिड यू टू मैच? सो भैया इस, ये तो बड़ी लंबी हमारी लव स्टोरी, इस पे हमने पूरा एक ब्लॉग बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं तुम्हें जो है ना ये स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये वाला ब्लॉग है, ये जाके देखो लाजमी, आप लोग मजा आएगा, इंजॉय करोगे। यरम की दीवानी, यार कैसे कैसे नाम रखते हो तुम लोग। आपके घर में माशाल्लाह सारा फर्नीचर बहुत प्यारा है, लेकिन बेड क्यों नहीं है? बीबी बेड पहले सिंगल था, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रह ही नहीं रहते, असरा का रूम था तो सिंगल था, तो अब हम जब भी आ गए हैं यहाँ पे, तो हमने वो सिंगल बेड हटा के डबल बेड ले लिया है, हमने कस्टमाइज बेड बनाया था, मतलब अपनी पसंद जाके की थी, फिर उसमें चेंजेस करवाई, तो इसलिए हमारा बेड आने में टाइम लगा, और अभी हमारा बेड आ गया है, आप पुराने कल के ब्लॉग में देख सकते हैं। ऐसे ही है। अच्छा कायनात, कायनात क्या कह रही है? Who is loving more, Astra or Taha? जवाब दो, जवाब दो ना, आंसर दे। नहीं,
अच्छा फातिमा का सवाल है, आप शिया हो तो आप अपने नाम के साथ बंगश क्यों लगाते हो? या शिया या सुन्नी से कास्ट का नाम का कोई ताल्लुक होता है? नहीं होता भाई, तो मेरा बंगश है। और पहली बात, ना मैं शिया हूँ ना मैं सुन्नी हूँ, और ना ही आपकी भाभी शिया है ना ही सुन्नी है। इसका जवाब मैं वाहिए देंगे आपको। उसामा राजा कह रहे हैं योर प्रोफेशन। अच्छा बाय प्रोफेशन आई वॉज अकाउंटेंट 3 साल पहले, उसके बाद आई स्टार्टेड माई ओन बिजनेस। तो यस, मतलब मैंने अकाउंट्स फाइनेंस में अपनी एजुकेशन की है, इनकम्प्लीट अभी भी रहती है, कंप्लीट एजुकेशन कभी हो नहीं सकती। बकाया मैं अब कारोबार करता था अपना रियल इस्टेट का, और अभी भी वो करता हूँ। अपने प्रोफेशन के बारे में बताओ। मैं केमिस्ट हूँ। अभी एजुकेशन कंप्लीट करी है। कर लेगी तो फिर फुली केमिस्ट बन जाएगी। जी जी बिल्कुल। आप ईरान के किस सिटी में रहते हो? MM asking which city you live in Iran. हाँ, उर्मिया लिव करी है। वेस्ट अजरबैजान प्रोविंस इन उर्मिया। ईरान का एक प्रोविंस है वेस्ट अजरबैजान, उसके अंदर बॉर्डर पे वान, तुर्की का वान शहर और उर्मिया शहर मिलते हैं आपस में। हम बॉर्डर शहर में रहते हैं ईरान के। Can we meet I also in Iran? जी होडोफाइल जी, बिल्कुल यार आओ मिलो, कोई मसला ही नहीं है, कोई टेंशन की गल ही नहीं है यार, किधर क्यों नहीं भाई, हम जरूर मिलूंगा। मतलब हमारे अपने लोग, अगर चाहे वो इंडिया के हो या पाकिस्तान के, इंडिया के तो यहाँ पे मुझे लोग मिलते रहते हैं, पाकिस्तान से भी कोई आएगा तो वाई नॉट यार, उर्मिया सिटी में रहता हूँ तो क्यों नहीं मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। फेरी टेल पर, आपकी बेटी का क्या हाल है? उसका भी पेज बना दें इंस्टाग्राम पर, माशाल्लाह बहुत क्यूट है। फेरी टेल साहिबा बिल्कुल नहीं है, मतलब हम बच्चों को जो है बिल्कुल पसंद नहीं है, सोशल मीडिया से दूर रखना चाहते हैं। अभी व्लॉग में कायला को इसलिए लाते हैं आप लोगों के प्यार की वजह से, वैसे मैं अवॉइड ही करूंगा इस पे फिलहाल, अभी तो नो है हमारा। बारबरी गोल्ड्स, एनी ड्रीम लोकेशन टू विजिट? यू से योर्स, यू फर्स्ट से। भाई मेरी तो जाहिर सी बात है, हर मुसलमान की एक ही होती है, मक्का मदीना सऊदी अरब। तो अल्लाह पाक ने बुलावा किया तो जाएंगे। और मेरी एक लोकेशन ड्रीम प्लेस ने मेरी रही है करबला, ऑफ कोर्स इराक और सऊदी अरेबिया। तो मेरी इंशाल्लाह अगले साल तक तो करबला वाली तो अल्लाह करेगा पूरी हो जाएगी। गया मक्का मदीना जब अल्लाह पाक बुलाएंगे तो जाएंगे। विच वन इज योर फर्स्ट? मक्का। अस्तग़फ़िरुल्लाह, यू सेड फ्रांस पेरिस, नाउ से मक्का। उसकी इमेज लगा रहा हूँ थंबनेल, ये जाके देखो, और मजे का ब्लॉग है, मजा आएगा आप लोगों को। अनमोल बट कह रही है पाकिस्तान की कब वापसी है? यार देखो पाकिस्तान की वापसी क्यों नहीं हो रही, बेसिकली आपकी भाभी तो ईरानियन है, ईरानियन नेशनल है, मैं और कायला नहीं है। अब मैं कायला को यहाँ छोड़ के पाकिस्तान वापस आना है। अब कायला को यहाँ स्टे करने के लिए चाहिए अकामा, जो कि इन प्रोसेस है, अभी तक हमें मिला नहीं है। जैसी वो मिल जाए, अल्लाह करे 1 महीने के अंदर मिल जाए, मे भी पॉसिबल है 2 महीने भी लग सकते हैं, तो जैसी वो मिल जाएगा सो आई विल बी बैक इन पाकिस्तान। क्योंकि जाहिर सी बात है ना, कायला को लेके तो नहीं आ सकता ना असरा यहाँ पर। आमना नासिर कह रही है सोफा कवर कहाँ से लिया, प्लीज बता दें। देखिए बीबी, सोफा कवर जो है ना, जिधर से सोफे बनवाए थे ना मामा ने, उन्हीं को ऑर्डर दिया था, तो ये कस्टमाइज बने हैं, ये कोई स्पेसिफिक मतलब रेडीमेड नहीं है, ये सोफे का कस्टमाइज है, जिन्होंने सोफा बनाया है, हाँ जिन्होंने सोफा बनाया ना उसके वही आके जो है ना इसके कवर भी बना के गए हैं, तो ये कस्टमाइज है, रेडीमेड नहीं है। मुस्तफ़ा, ताहा भाई इंडिया से ईरान मनी ट्रांसफ़र पॉसिबल है? बताएं यार, बहुत मुश्किल हो रही है। मुस्तफ़ा 13 बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, हमने जो है ना उसका एक सिस्टम निकाल लिया है, मतलब लीगली उड़ता है। हवाला हुंडी का नाम सुना है, वो वाला चक्कर है, उसके अलावा कोई लीगली कोई वे नहीं है अभी तक, है ही नहीं ना, US की सैंक्शंस लगी हुई हैं। जी, ईरान जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर पाकिस्तानी, देखें जॉब आप किसी मुल्क चले जाएं आपको मिल जाएगी, इवन कीनिया नाइजेरिया भी चले जाएं मिल जाएगी, बट
ईरान में जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है? लैंग्वेज है। आप शुड नो पर्शियन लैंग्वेज बिकॉज़ इट्स नॉट लाइक पाकिस्तान ऑफिस एवरीवेयर बी विद इंग्लिश लैंग्वेज, इधर सारे थिंग्स इज पर्शियन। You should know how to read, you should know how to speak Persian. This is बहुत important. अगर आपको ये चीजें आती है ना तो बिड़ू अगर आप यहाँ पे आकर ड्राइविंग लाइसेंस लेके और अपनी प्राइवेट कार भी चलाते हो ना तो easily you can earn 150 to 2 lakh per month पाकिस्तानी आराम से। तो मेरा आइडिया है, मैंने जो मार्केट देखी है और यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, बिल्कुल है, बट लैंग्वेज जबान बैरियर है। सर्वाना स्पेयरमैन या कोई इंग्लिश में बोलिए, यू हैव अ ब्यूटीफुल फैमिली, वेयर आर यू एंड योर स्पाउस फ्रॉम? आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, शी इज फ्रॉम ईरान। आई एम पाकिस्तानी पठान, शी इज आई एम तुर्क अज़ेरी, ईरानियन तुर्क। सलमा सैयदा, आई जस्ट वांटेड टू नो हाउ टू ट्रैवल मशहद फ्रॉम यूके, प्लीज गाइड मी। सलमा देखिए बड़ा आसान है, आप जो है ना टिकट बुक करें तहरान की, यूके का, अगर आपके पास वो है पासपोर्ट होल्डर है तो आपको वीजा की जरूरत नहीं है, अदरवाइज अगर वीजा की जरूरत है तो वीजा दें आप। हाँ चलो, यूके के लोगों को वीजा की जरूरत है, आप ऑनलाइन अप्लाई करो, इसकी ईरान एम्बेसी की जो है ना वेबसाइट है, उधर ऑनलाइन फॉर्म होता है, आप उधर हाँ वीजा की टाइप्स लिखी हुई होंगी, टूरिज्म वीजा चाहिए, फैमिली विजिट वीजा चाहिए, ज्यारत वीजा, तो आप लिखना ज्यारत वीजा, आप ज्यारत वीजा पे क्लिक करेंगे, आपको ज्यारत वीजा का फॉर्म फिल करना पड़ेगा, पासपोर्ट की पिक्चर वगैरह सब कुछ फिल करनी पड़ेगी, फिल आउट करने के बाद आपको वीजा मतलब ऐसी कॉल करेगी कि इंटरव्यू है, मतलब इंटरव्यू इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी, वो आपको बुलाएंगे और आपको वीजा दे देंगे अगर आप एज अ ज़ायरीन जाना चाहते हैं। अगर एज अ टूरिस्ट वगैरह जाना चाहते हैं तो आपसे सवाल जवाब हो सकते हैं इंटरव्यू में, क्योंकि ईरान पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शन है तो यहाँ पे जो है सिक्योरिटी का काफ़ी ज़्यादा कंसर्न रहता है। उससे भी इंटरव्यू किया था जब मैं फर्स्ट टाइम एज अ टूरिस्ट वीज़ा पे ईरान आया था। फिर उसके बाद आपने क्या करना है जी, तहरान की बाय टिकट बुक करनी है, तहरान में जैसी आप उतरेंगी टैक्सी वाले को बोले हमें बस टर्मिनल पे उतार दें, बस टर्मिनल पे आप जाएंगी मशहद की, वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, कितना तहरान से 6-8 घंटे का सफ़र है मशहद का, और पाकिस्तानी कोई 3-4 हज़ार रुपये का खर्चा आपको बस ले जाएगी मशहद तक। अबरार शाह भाई पूछने ये था कि ईरान में किस सिटी में रहते हैं और भाई आपको वीज़ा कितने मंथ का मिला है? अच्छा मैं इस वक्त जो है ना विजिट वीज़ा पर हूँ, मेरा वीज़ा हर एक महीने बाद और हर 2 महीने बाद एक्सटेंड हो रहा है, पिछले मतलब 2 महीने से एक्सटेंड हो रहा है, अभी अगर मैं फिर जाऊँगा तो 2 महीने एक्सटेंड करवा सकता हूँ, तो मेरे पास विजिट वीज़ा है फिलहाल और कायला के पास भी। कायला की कंप्लीट डाइट चार्ट शेयर करें जी, कायला को क्या खिलाती है सुबह से? आज तो सुबह दही दे दी है, sometimes it's like dessert, it's look like kheer, ye de diye, usually dahi de diye and this dessert de diye, or for lunch juice need you make it. Baba you make she don't know? Like sometimes you are yeah doing, sometimes no? I'm new, but she have not interest for juice that much. And aloo, gajar, murghi mein jo aap hamare regular jana vlog dekha kare usme hum jana kayla ki diet mein matlab rozana kuch changes karte rehte hain aur wo share karte rehte hain, hum cereal wagaira nahi dete, formula milk nahi dete, milk jo hai na aapki bhabhi feeding karti hai abhi bhi kayla ko, aur uske alawa jitna bhi uska khana peena hai na वो हम रेगुलर रोज़ाने के ब्लॉग्स में डालते हैं, तो आप वो ज़रूर देखा करें हमारे रोज़ाना ब्लॉग। ये था हीरे जैमनी का सवाल। कंजा फैसल, कब आप पाकिस्तान आएंगे और कब ISP आएंगे, प्लीज़ मेंशन माय आईडी। कंजा मैंने जैसे कि बताया कि अकाउंट हो जाएगा तो मैं पाकिस्तान आऊँगा, और जब पाकिस्तान आऊँगा तो ऑब्वियसली मेरी फैमिली इस्लामाबाद में रहती है तो इस्लामाबाद ही आना है मैंने। रहमान भट्ट, ताहा भाई आपकी वाइफ के कितने बहन भाई हैं और वो क्या करते हैं, और ताहा भाई आपके ससुर जी क्या काम करते हैं? You see this answer. How many siblings do you have? I have not any siblings. I have just one. And what father do? My father doing car business. का बाबा का शोरूम है, कार डीलर है, और असरा का असरा इकलौती है। जहरा कह रही है, do you help in changing Kayla? नहीं,
हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि असरा करती है, मामा करती है। बेस्ट क्वालिटी ऑफ योर वाइफ, ये भी ज़ारा का है। यार वैसे तो कोई क्वालिटी है नहीं, लेकिन फिर भी साबिर है, सबर बहुत है, तो ये मुझे लगता है बेस्ट क्वालिटी है। फातिमा उस्मान, असरा से कहे हमें तुर्किश सिखाए। असरा जी, टीच देम तुर्किश। चलो जी, आपसे व्लॉग में आपको ये चीजें मिलेंगी। परस्तु, हाउ डिड योर वाइफ लर्न उर्दू? भाई पाकिस्तान में 2 साल रही आपकी भाभी, और जाहिर सी बात है उर्दू इतनी मीठी, इतनी सलीस, इतनी प्यारी जबान है, और इतनी आसान जबान है, कोई भी सीख लेता है। आयशा खान, पठान हैं आप जी? बिल्कुल। इट्स यशा, आप कायला बीबी के कपड़े कहाँ से लेते हैं? या नॉर्मली जो है ना आपकी भाभी, यू ऑर्डर ऑनलाइन ना? जी, मैं ऑनलाइन ऑर्डर करी है। ज्यादातर ऑनलाइन ऑर्डर करती है, और कभी कभी जो है ना बाहर से शॉप से हम विंडो शॉपिंग करते हुए जाते हैं, तो कुछ पसंद आ जाते तो कहते हैं लेना, तो फिर ले लेते हैं। सारा, How the transferring money went for you between Pakistan and India? Because I heard it's impossible. हाँ, legally it's impossible, but illegally it's possible. हवाला मंडी वाले लोग हैं तो there are ways. रमजान, please आप करबला जाके vlog कम बनाएंगे? हाँ, ये तो मेरे दिल की ख्वाहिश है। अच्छा, मैं अरबाइन में जाना था, लेकिन चूंकि मैं खुद विजिट वीजा पे हूँ तो मैं नहीं जा सकता था, लेकिन इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि अगले साल अरबाइन में आई विल बी इन करबला। तो दुआ की करें आप लोग भी इंशाल्लाह। जी असलम, आप पूछे कायला नाम का मतलब क्या है? कायला नाम का मतलब है द क्वीन ऑफ लॉरल्स, अगर उर्दू में बोले तो फतुहात की मलका। अच्छा, आपकी मामा सिंधी हैं तो आपको भी सिंधी आती है? लाइबा बलोच, लाइबा जी बिल्कुल सिंधी समझ आती है, और किसी वक्त में मैं थोड़ी थोड़ी बोल भी लेता था, बट चूंकि कराची से शिफ्ट हो गए, रिलेटिव से दूर हो गए, कराची में मेरी अम्मी का खानदान था, तो उनके साथ सिंधी थोड़ी सी समझ आ जाती थी, बोल भी लेता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब तो बिल्कुल भी फारिग हो गया, समझ अभी भी आ जाती, बोल नहीं सक पाता। तो भैया ये सारे आपके सवाल थे और उनके जवाब हमने दे दिए। उम्मीद करते हैं आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब भी करो। सब्सक्राइब लाजमी करना है, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हमारा नेक्स्ट आने वाला ब्लॉग जैसे ही अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन फी अमानिल्लाह, अल्लाह ने वाला है।